अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ये मैसूर पाक की रेसिपी। ये मैसूर पाक हमारा बहुत ही खस्ता और जालीदार बनता है, बहुत ही डिलीशियस और है बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करें, बहुत ही खस्ता और जालीदार हमारा मैसूर पाक बना है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 प्याली शक्कर और आधा प्याली इसमें हम पानी डालेंगे और यहाँ पे इसकी हमें गाढ़ी चाशनी बना लेनी है। साइड में हमने यहाँ पे 3 कप ऑयल गरम होने रखा है, आपको यहाँ पे ऑयल को गरम ही मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया स्क्वायर वाला, इसे हम ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी, तो अभी हम इसकी चेक करेंगे। तो इसकी इस तरह से गाढ़ी चाशनी बना लेनी है। हाथों पे इस तरह से देखे तो ये देखिए तार बन रही है इसकी, मतलब हमारी चाशनी रेडी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप बेसन और मिक्स करते जाएंगे। इसे इसकी गुठलियाँ खत्म होने तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इसका गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है और मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर एक चम्मच करके ऑयल डालते जाएंगे। ऑयल को आपको ऑयल का जो गैस है उसे आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है। आपका ऑयल हमेशा गर्म ही रहना चाहिए, आपको इसके अंदर गर्म गर्म ऑयल डालते जाना है 1-1 चम्मच और हिलाते जाना है। अगर आपके साथ कोई और भी है तो आप उसे भी साथ में ले सकते हैं, ताकि वो 1-1 चम्मच ऑयल इसके अंदर डालते जाए और आप हिलाते जाए। इस तरह से आपको ऑयल डालते जाना है और हिलाते जाना है। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते, हमने सिर्फ थोड़ा सा ही डाला है। और मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 1-1 चम्मच ऑयल 1-1 मिनट के बाद डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हिलाते हिलाते जब आपको लगेगा कि इसके अंदर का ऑयल खत्म हो चुका है, बेसन ने सारा ऑयल पी लिया है, तो आपको और 1-1 चम्मच करके इस तरह से डालते जाना है और हिलाते जाना है। हमने यहाँ पे आपको पूरा तरीका बताया कि हमने इसे कैसे बनाया है, सिर्फ हमने इसकी स्पीड ज़्यादा करके बताया है। लेकिन हमने जब जब ऑयल वगैरह और जैसे हिला रहे हमने इसका पूरा तरीका बताया आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमारी जालियाँ बननी शुरू हो चुकी है और इसका बैटर आपको थोड़ा सा हल्का भी लगने लगेगा। आप जब हिलाते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका बैटर हल्का होने लगा है। आपका यहाँ पे 3 कप ऑयल पूरा लगेगा। हमने आपको यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट बताया, हमने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, तो 3 कप ऑयल और 1/2 कप पानी डाला है। आप भी इस मेजरमेंट से बनाएं तो आपका भी मैसूर पाक बहुत ही खस्ता और जालीदार बनेगा और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये देखिए हमारा मैसूर पाक बनने जा रहा है, जालियाँ आनी शुरू हो चुकी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल ठंडा ना होने पाए, आपको इसके अंदर गरम गरम ही ऑयल डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। आप यहाँ पे कोई भी प्याली या कप कोई भी सेट कर ले, उस हिसाब से सारी मेजरमेंट करें।
इसे बनाने में आपको हिलाते हुए हिलाते हुए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन आप इसे खाएंगे तो आपका मन इसे और ही खाते जाने का मन करता है। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही पसंद आया सभी को, और इसे खाते रहने का ही मन करता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपके साथ में और कोई है तो आप उसे भी हिलाने दे सकते हैं, आप थोड़ी देर आप हिलाए, फिर दूसरे आपके साथ में कोई बड़ा है तो उसे भी आप हिलाने दे सकते हैं, और फिर आप वहाँ से ऑयल डालते जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हमारा बेसन ने ऑयल पीना छोड़ दिया है, मतलब हम सिर्फ एक चम्मच और डालेंगे और जब आपका बेसन ऑयल पीना छोड़ दे मतलब हमारा बैटर तैयार है। तो इसे अभी हम केक टिन में डालेंगे। थोड़ा सा हमारे मैसूर पाक में जो ब्लैक ब्लैक जला हुआ दिख रहा है वो ज़्यादा जला नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा, तो उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से फैला लेंगे केक टिन में, और यहाँ पे इसे हमें ठंडा होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इस पर निशान बना लेंगे, कट्स लगा लेंगे। आपको जिस साइज़ के मैसूर पाक चाहिए उस साइज़ के आप इस पर कट्स लगा लें। ज़्यादा ठंडा होने के बाद आप इस पर कट्स नहीं लगा सकते, इसलिए हम पहले ही इसे कट्स लगा लेंगे 2 मिनट के बाद। कर्ट्स लगाने के बाद इसे हम पूरा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा मैसूर पाक ठंडा हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट पे इस तरह से निकाल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि आपने ऑयल लगा लिया होता है। तो ये देखिए कितनी जालियाँ बनी है इसकी, और इसके बीच में आप इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, बीच में ब्राउन वाला। आप ये किसी को भी सर्व करेंगे उसे बहुत ही पसंद आएगा, यहाँ पे हमारे बेटे को भी ये बहुत ही पसंद आया, और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है। आप भी इस तरह से ट्राई करें, आपका भी मैसूर पाक इसी तरह बहुत अच्छा बनेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ही खस्ता और जालीदार हमारा मैसूर पाक बना है। आप इस तरह से बना के एक एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं, 7 से 8 दिनों तक ये खस्ता ही रहेगा और बहुत ही डिलीशियस लगेगा। आप जब इसे डब्बे में रखेंगे और आप जब भी डब्बा खोलेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है, और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आने वाले तो आप इसे भी सर्व कर सकते, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि यह आपने घर पर बनाए। तो ये देखिए कितना खस्ता बना है और बहुत ही जालीदार हमारा मैसूर पाक बना है, और अंदर इसका कलर देखिए। किसी किसी मार्केट में भी कोई इतना अच्छा मैसूर पाक नहीं बनता जितना ये घर पे बनता है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी और मार्केट से बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।